ओके सो फ्रेंड्स, मुझे पता है आप सभी जो है फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कुछ ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ जो कि आपको अभी नहीं तो कभी जो है आपको मतलब आपको काम आने ही वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक चेकआउट कर लेना और जो न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। और यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा आईडी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरा 90,000 जो है यहाँ पे फॉलोअर्स भी होने वाला है और यहाँ पे मेरा जो है रिफ्रेश भी चल रहा है। तो यहाँ पे रिफ्रेश के बाद जो है आपको मैं ऐड कर लूँगा और यहाँ पे आप बायो भी चेक कर सकते हैं। मैं कुछ दिन में जो है मैं एडिंग डेट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी मुझे जो है आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे जो है इंस्टाग्राम की आईडी भी यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आप इंस्टाग्राम में मुझे जो है दिल करे तो फॉलो भी कर लेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ट्रिक्स नंबर 15, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे फोटो पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एल्बम पे आ जाता हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मेरा एल्बम जो है चूज कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इस एल्बम को चूज कर लिया और यहाँ पे मैं थ्री डॉट्स पे जाऊँगा और एडिट पे जाऊँगा। और इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चूज फ्रेंड्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं जिसका भी यहाँ पे नाम यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो आराम से जो है उनका जो है प्रोफाइल पे मेरा जो है फोटो यहाँ पे शो होने लगा है। जैसे कि मैं यहाँ पे किसी का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि मैं सोनू भैया के नाम डालता हूँ जो कि फेसबुक के किंग है और मतलब सबको आपको पता ही है। और यहाँ पे मैं उनका नाम जो है डाल देता हूँ और यहाँ पे जैसे मैं डन कर देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको जो है ये अच्छा ट्रिक्स है आपके लिए। और यहाँ पे आपको जो है मैं सर्च करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो है उनके गैलरी पे आ गया हूँ और यहाँ पे मेरा एल्बम पे जैसे आया हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं उनके प्रोफाइल पे जो है मेरा जो है यहाँ पे एल्बम यहाँ पे शो हो रहा है। सो ऐसे करके जो है आपको बहुत ज़्यादा लाइक्स यहाँ पे फॉलोअर भी मुझे जो है मिलने वाला है, क्योंकि जो किंग है आप सभी को पता है फेसबुक के किंग है सोनू भैया, और इनके टाइमलाइन पे जो है अच्छा खासा लाइक हमेशा मिलता रहता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे तो लाइक ब्लॉक है, फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट नाउ यहाँ पे 63 जो है आप लाइक चल रहा है। तो मतलब पर डे यहाँ पे जो है 40,000 से 50,000 मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो आपको पता है यहाँ पे जो है फोटोज़ पे जो है यहाँ पे आके जो बहुत ज़्यादा मुझे जो है लाइक्स फॉलोअर मिलने में। तो ऐसे ट्रिक्स जो है अप्लाई करके जो है आप मतलब किसी का भी प्रोफाइल में जो है आपका एल्बम जो है फंसा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा आपको जो एल्बम मिल जाएगा। तो आपको भी ये ट्रिक अगर नहीं पता होगा तो आप यहाँ से जो है आप मतलब अच्छे से यहाँ पे फंसा सकते हैं दूसरे की टाइमलाइन पे। ट्रिक नंबर 14, तो सो फ्रेंड्स, जैसे आप फेसबुक मेन ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है आप कितने टाइम फेसबुक यूज करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको शो होने लगेगा। जैसे कि आप अगर ज़्यादा टाइम फेसबुक मेन यूज करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको शो होने लगेगा, और पर डे आपको कितना यूज करते हैं आपको यहाँ पे जो है शो होने लगेगा। जो कि मैं यहाँ पे ज़्यादा तो फेसबुक मेन नहीं यूज करता हूँ तो यहाँ पे मेरा कम यूज हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद जो आता है ट्रिक नंबर 13, तो ट्रिक नंबर 13 पे आता है जो कि आपका मतलब आप जब भी ऑनलाइन होते तो और आप दूसरों को दिखाने चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन नहीं हूँ तो आप इस ट्रिक को जो है आराम से यूज कर पाएंगे। और यहाँ पे सेटिंग पे आके यहाँ पे एक्टिव स्टेटस पे आके यहाँ पे जो है आपको ऑफ कर देंगे। जैसे ही आप टर्न ऑफ कर देंगे आप ऑनलाइन होंगे लेकिन दूसरों को जो है आपको ऑफलाइन ही शो होगा। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक्स है। और फ्रेंड्स, इसके बाद आता है ट्रिक्स नंबर 12, और ट्रिक्स नंबर 12 पे आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक लाइट पे मेरा जो है डार्क मोड शो हो रहा है। ये बहुत अच्छा फीचर्स है। आपको अगर डार्क मोड आपको शो नहीं हो रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ और यहाँ पे आई बटन के ऊपर भी आपको जो है लिंक मिल जाएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ। और यहाँ पे जो है आप देख लेना है जो कि आपका बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा रात के टाइम पे, क्योंकि आप आराम से जो है डार्क मोड का फीचर्स मतलब यूज कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है यहाँ पे आप दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, जैसे आप प्रोफाइल ओपन करेंगे तो ट्रिक्स नंबर 11 पे यह आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको मोर मोर करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्टिविटी लॉग जो आपको मिल जा रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, जो आप क्या कर रहे हैं मतलब किसको लाइक दे रहे हैं या फिर आपको कौन टैग कर रहे हैं, आप सब कुछ यहाँ से जो है पता कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा ट्रिक्स है। और इसके बाद फ्रेंड्स आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो है बहुत सारा यहाँ पे स्टोरी हाईलाइट्स जो लगाया हूँ, जो कि आप मतलब नॉर्मली क्या होता है कि स्टोरी जब आप डालते हैं फेसबुक में, जैसे मैं यहाँ पे डाला हूँ आप देख सकते हैं इसमें जो है 24 घंटे के लिए रहता है। जो फ्रेंड्स आप मतलब वो दिखाना चाहते हैं अगर परमानेंट के लिए, जो कि बहुत पुराने वाले जो हमेशा के लिए दिखाना चाहते हैं तो जो है ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे स्टोरी को ओपन कर लेनी है और यहाँ पे जो ऐड टू हाईलाइट एक ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा स्टोरी में यहाँ पे देख सकते हैं कितना व्यू आ रहा है, 10,000 व्यू। तो आप भी ऐसे करके जो है मेरा भी स्टोरी यहाँ पे देख सकते हैं और मैं भी अच्छे से स्टोरी यहाँ पे डालता रहता हूँ हमेशा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स है। और उसके बाद जो फ्रेंड्स आता है नंबर 10, और नंबर 10 पे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है सेटिंग पे आना है और मैं यहाँ पे सेटिंग पे जाता हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है न्यूज़ फीड का एक प्रिफरेंस मिल रहा है, फिर यहाँ पे दिखा देता हूँ फ्रेंड्स एक सेकेंड नीचे की तरफ। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ फीड प्रिफरेंस का आपको मिल रहा है। तो इसके सबसे पहले यहाँ पे प्रायोरिटी हु सी फर्स्ट करके एक ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये बहुत अच्छा ट्रिक्स है और इसको जो है आपको जरूर यूज करना होगा, मतलब करना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे खुलता हूँ तो ये थोड़ी देर यहाँ पे टाइम लगता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे जो है सी फर्स्ट कर लेनी है।
जैसे कि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे दिखाता हूँ फ्रेंड्स, आप किसी का भी जो ही नाम यहाँ पे जब सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जब यहाँ पे फास्ट में मतलब फेसबुक का ओपन करेंगे तो यहाँ पे होम पेज में यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि गोपाल जी का यहाँ पे पोस्ट शो हो रहा है। तो आपका जो है ऐसे करके जो है आप जब भी फेसबुक ओपन करेंगे तो यहाँ पे पहले ही नंबर पे जो है आपको पोस्ट होने लगा है। तो यहाँ पे जो है आप लाइक कमेंट कर सकते हैं और ऐसे करके आप मुझे भी जो है यहाँ पे सिफारिश कर सकते हैं वही ऑप्शन से जाके, है ना फ्रेंड्स। इसके बाद ये आता है कि आप जब डीपी यहाँ पे सेट करते हैं, यहाँ पे जैसे ही मैं डीपी लगाया हूँ तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये डीपी कोई भी डाउनलोड ना कर पाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैमरा के ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे टर्न ऑन प्रोफाइल गार्ड लिखा होगा, तो यहाँ पे जो आपको सिंपली आपको टैप कर देनी है। जैसे कि आप टर्न ऑन कर देंगे प्रोफाइल गार्ड को तो आपका जो है स्क्रीनशॉट कोई नहीं ले पाएगा या फिर जो है आपका जो प्रोफाइल पिक्चर को कोई भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा। और अभी मतलब जब कुछ मतलब रिपोर्ट वगैरह आता है तो 12 घंटा वो एक्सटेंड हो जाता है अगर आप प्रोफाइल गार्ड को जो ऑन करके रखते हैं। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है जो आपको यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो ट्रिक्स आता है फ्रेंड्स इसके बाद ये आता है कि आप जब डीपी यहाँ पे सेट करते हैं, यहाँ पे जैसे ही मैं डीपी लगाया हूँ तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये डीपी कोई भी डाउनलोड ना कर पाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कैमरा के ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे टर्न ऑन प्रोफाइल गार्ड लिखा होगा, तो यहाँ पे जो आपको सिंपली आपको टैप कर देनी है। जैसे कि आप टर्न ऑन कर देंगे प्रोफाइल गार्ड को तो आपका जो है स्क्रीनशॉट कोई नहीं ले पाएगा या फिर जो है आपका जो प्रोफाइल पिक्चर को कोई भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा। और अभी मतलब जब कुछ मतलब रिपोर्ट वगैरह आता है तो 12 घंटा वो एक्सटेंड हो जाता है अगर आप प्रोफाइल गार्ड को जो ऑन करके रखते हैं। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक्स है जो आपको यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो ट्रिक्स आता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर कोई भी मतलब किसी ने अगर मतलब लगा है प्रोफाइल कार्ड को ऑन किया और आप चाहते हैं कि उसका जो प्रोफाइल पिक्चर को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आपको जो उसका जो स्क्रीनशॉट मतलब सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम क्या होता है कि स्क्रीनशॉट नहीं हो पाता है। तो आपको सिंपली क्या करनी है, यहाँ पे जो है आपको एबी लाइट पे आना है और सिंपली आपको जो है उसका प्रोफाइल पे आ जानी है और यहाँ पे आपको 2-3 बार यहाँ पे रिफ्रेश कर लेनी है और उसके बाद जो है आपको स्क्रीनशॉट आराम से ले पाएंगे। तो ये इसको जरूर आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा ट्रिक्स है और मतलब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ऐसे करके जो है आप ले पाएंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इसके बाद जो ट्रिक्स आता है यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे सिंपली आपको जो पोस्ट पे ऑप्शन को क्लिक करना होगा और यहाँ पे सिंपली आपको जो है कैमरा के ऑप्शन पे आ जाना होगा। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे आप कैमरा के ऑप्शन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे सेटिंग पे जाना होगा और यहाँ पे जो आपको ऊपर की तरफ देख रहा होगा यहाँ पे जो है एक मिनट में दिखाता हूँ, ऐड कैमरा शॉर्टकट लिखा हुआ है। तो ऐसे करके जो है मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे लास्ट में आपको एक आइकन दिखा होगा यहाँ पे कैमरा करके। तो यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे एडिशनल जो है फीचर्स यहाँ पे मिलने वाला है। जैसे मतलब कुछ फीचर्स जैसे कि मतलब कुछ इफेक्ट्स वगैरह डालना होगा तो आप एडिशनल जो है एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से फेसबुक से जो है आपको जो है बहुत सारे मतलब मिल जाएगा आपको इफेक्ट्स जो कि आप ज़रूर मतलब यूज करना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने कि पोस्ट डाला था और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2300 लाइक गया है। तो फ्रेंड्स इसको मैं चाहता हूँ कि यार ये तो पोस्ट शो हो रहा है जो कि पोस्ट शो काफ़ी लोगों को शो नहीं होगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स पे आना है और यहाँ पे जो एडिट पोस्ट पे आ जानी है और यहाँ पे आपको फोटो और वीडियो का ऑप्शन शो रहा होगा। तो यहाँ पे सिंपली आप जब भी मतलब यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका एल्बम पे एक फोटो होके मतलब ये सेव हो जाएगा और लाइक्स भी उतना ही रहेगा 2300 करके। तो आप जो है ऐसी ट्रिक को अप्लाई करके जो किसी भी पोस्ट को जो है फोटो को मतलब चेंज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, आप एक बार जो ट्राई करना फ्रेंड्स इसको फ्रेंड्स। और इसके बाद फ्रेंड्स जो आता है फ्रेंड्स ट्रिक्स के फ्रेंड्स, इसके बाद एक और बहुत ही अच्छा ट्रिक्स जो मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे आपको सिंपली फिर क्रोम पे आ जाना होगा या फिर कुछ कोई भी मतलब ब्राउजर का जो ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करनी है बेसिक एबी। यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक एबी, जैसे ही मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पे जो है फास्ट वाला ऑप्शन को जो आपको क्लिक करना है और आपको जो है साइन अप करनी है, जो साइन अप सॉरी बोलता हूँ कि साइन इन आपको करनी है और यहाँ पे आप जो सिंपली आपको जो पुराना वाला जो एबी वर्सन होता है वो जो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपली आपको जो है प्रोफाइल पे आ जानी है, मतलब प्रोफाइल पे नहीं, आप किसी का भी जो है यहाँ पे सर्च करके उसका प्रोफाइल पे आ जानी है और यहाँ पे आपको अगर चाहते हो तो उसका जो प्रोफाइल पिक्चर आपको डाउनलोड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर उसका जो है प्रोफाइल गार्ड ऑन है और आप चाहते कि उसका प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड कर पाए तो आपको सिंपली क्या करनी है, यहाँ पे ओपन करनी है और यहाँ पे क्लिक करके रखना है कुछ टाइम और यहाँ पे देख सकते डाउनलोड इमेज करके शो हो रहा है। तो ऐसे करके जो है आप आराम से किसी का प्रोफाइल पिक्चर जो डाउनलोड कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है और नहीं पता है तो ऐसे करके जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मतलब और एक ट्रिक यहाँ पे निकल के आता है जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी टाइम क्या होता है कि फेक आईडी आपको पता नहीं चलता है कि यार ये फेक आईडी है या फिर कोई आईडी आपको कैसे पता चलेगा। तो सिंपली आपको ऐसे ही मतलब करके जो है आपको प्रोफाइल ओपन कर लेनी है कोई भी ब्राउजर में और यहाँ पे आपको कोई भी प्रोफाइल मतलब प्रोफाइल पिक को आपको सिलेक्ट करके रखना है और यहाँ पे आप नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे सर्च गूगल फॉर दिस इमेज, तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको क्लिक कर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो उसके जो पिक्स है वो पिक्स के बारे में जो जो कि मतलब कहाँ कहाँ पे वो पिक अपलोड हुए वो सारे डिटेल्स यहाँ पे गूगल आपको दे देगी।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे सारे डिटेल्स जो है वो पिक्चर का निकल के आ जाएगा, वो कहाँ कहाँ अपलोड हुआ है और किसने किसने अपलोड किया है, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे निकल के आ जाएगा। सो फ्रेंड्स ऐसे करके जो है आप फेक आईडी का पता कर सकते हैं बहुत ही आराम से फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप जैसे फेसबुक मेन है यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको म्यूजिक करके एक ऑप्शन होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपके अपने हिसाब से जो है अपने प्रोफाइल में जो है अच्छा खासा जो है म्यूजिक भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी म्यूजिक, और दूसरों को भी दिखा सकते हैं यार मैं भी म्यूजिक लगाया हुआ है ना। सो फ्रेंड्स ये था कुछ ट्रिक्स, मुझे उम्मीद है कि मतलब वीडियो आपको पसंद आई है और मतलब ट्रिक्स भी आपको जो है काम आ सके है ना। और आपको कोई भी मतलब जो जो आपको ट्रिक पसंद है वो कमेंट कर देना कमेंट में, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर ही देना, और जो न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करना है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी टिप्स ट्रिक्स और वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लव यू ऑल।